मतलब इसमें लिब्रा फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल बॉयज। तो आज की वीडियो में एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पे। तो सिंपली क्या करना है, वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं H2O, उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके गैसियस फॉर्म में निकालना है। ये एक्सपेरिमेंट मैंने 10th NCERT के बुक में से देखा था, एक्टिविटी 1.7 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेट्स बिगिन। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग चाहिए एक ग्लास वाटर, सॉल्ट, तो दोनों साइड से शार्प की पेंसिल, दो वायर्स, दो ठो आयरन क्लिप्स और कोई भी 9 वोल्ट के ऊपर की बैटरी। तो शुरू करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट, बनाते हैं अपना मॉड्यूल। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इतना हार्ड भी नहीं है जितना सुनने से हार्ड लग रहा है। एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए हम लोग को एक ग्लास, इसमें भरेंगे वाटर। बस इतना ही। वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, लेकिन कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसमें ऐड करते हैं सॉल्ट, आधा चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें, 60 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आफ्टर एडिंग सॉल्ट अब बैटरी लेंगे, बैटरी के दोनों साइड्स को वायर्स से कनेक्ट करेंगे। तो बैटरी को वायर से कनेक्ट करने के बाद फिर से ग्लास लेंगे और पेंसिल को जो दोनों साइड से शार्प है ऐसे कार्डबोर्ड की हेल्प से ऐसे रख लेंगे और इसको इसके दोनों सिरों को अंदर डाल देंगे। फिर ये है एनोड, यानी कि पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड पे हमेशा ऑक्सीजन बनता है और ये है कैथोड, यानी कि नेगेटिव साइड। नेगेटिव माइनस चार्ज माइनस साइड की तरह वैसा हाइड्रोजन बनता है। दोनों को कनेक्ट करेंगे इस पेंसिल के एंड से, कैथोड साइड को बैटरी के इससे कनेक्ट करेंगे साइड से और एनोड साइड को कनेक्ट करेंगे इस साइड से। नीचे देख सकते हैं, नीचे शुरू हो गया ऑक्सीजन बनना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनना शुरू हो चुका है नीचे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, जैसे एक पेंसिल में से काफी तेजी से बबल्स बाहर निकल रहे हैं वो हाइड्रोजन के बबल्स, और एक पेंसिल में से धीरे धीरे निकल रहे हैं वो ऑक्सीजन के बबल्स। क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हाइड्रोजन 2 times ऑफ ऑक्सीजन निकलता है, यानी कि 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन निकल रहा है 2x की स्पीड से निकल रहा है और ये है ऑक्सीजन जो 1x की स्पीड से निकल रहा है, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला था H2O, इसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, इसलिए इसमें दो गुना हाइड्रोजन निकल रहा है और सिर्फ 1 times ऑक्सीजन निकल रहा है।
इसकी स्मेल बिल्कुल क्लोरीन डाले हुए पानी की तरह लग रहा है। इसमें पूल में पानी मिला उस टाइप का स्मेल लग रहा है इसमें बिल्कुल, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का मिक्स स्मेल। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाना तो काफ़ी आसान है, लेकिन उन दोनों को कलेक्ट करना सबसे हार्डेस्ट है। इसलिए ये हार्ड एक्सपेरिमेंट है कलेक्ट करने के लिए, बनाने के लिए बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है। तो इसका साउंड भी काफ़ी कमाल का आ रहा है, ये आप साउंड सुन सकते हैं। सन आवाज़ सुनाई दे रहा है इसमें से। तो ऐसे ही और कमाल के एक्सपेरिमेंट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें एक्सपेरिमेंटल बॉयज को, और वीडियो को लाइक करें, नीचे जाके कमेंट करें, शेयर करें। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अच्छे से लाइक कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड